स्टार्ट पूर्ववर्ती उपबंध में 2 मास की अवधि प्रारंभिक आदेश की तारीख से ठीक पूर्व थी, न कि उस तारीख से ठीक पूर्व जिसको पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट या अन्य इतिला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हो। इससे न्यायालयों द्वारा अनुभव की गई उस कठिनाई से छुटकारा मिल गया है, जब कि कोई पक्षकार उस तारीख से ठीक पूर्व 2 मास के भीतर बेकब्जा कर दिया जाता था, जिसको वह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को की जाती थी या उसके द्वारा इतिला प्राप्त होती थी और परिवादी का कोई दोष न होते हुए भी आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा स्थगित कर दिया जाता था और इस प्रकार पारित किया जाता था, जिससे कि 2 मास की अवधि समाप्त हो जाए और प्रारंभिक आदेश की तारीख को उस स्थिति में बेकब्जा की अवधि उस तारीख से ठीक पूर्व 2 मास से अधिक हो जाती थी। इसका परिणाम यह होता था कि विधिक कल्पना का लाभ किसी पक्षकार को नहीं मिल सकता था और यह उस कानून में दोष था। तदनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 145 की उपधारा 4 के परंतुक में इस कठिनाई का निवारण कर दिया गया है। अब कब्जे के बारे में विधिक कल्पना का लाभ उठाने के लिए 2 मास की अवधि उस तारीख से ठीक पूर्व गिनी जाएगी जिसको पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की जाए अथवा उसे किए गए परिवाद के परिणाम स्वरूप उसके द्वारा इतिला प्राप्त की जाए। अतः विधिक कल्पना के लिए बेकब्जे की अवधि पुलिस रिपोर्ट या मजिस्ट्रेट को किए गए परिवाद की तारीख से ठीक 2 मास पूर्व आरंभ होती है और प्रारंभिक आदेश पारित करने की तारीख को समाप्त होती है। पैराग्राफ चेंज। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 147 के अधीन यह जांच नई संहिता प्रवृत्त होने से बहुत पूर्व से लंबित थी, अतएव उसका निपटारा पुरानी संहिता के अनुसार किया जाना चाहिए था। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 147 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही केवल उस धारा के अधीन कार्यवाही का निपटारा करने के लिए सक्षम थे। अतएव यह दलील दी गई है कि विद्वान मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होने से और पुरानी संहिता की धारा 147 में यथावर्णित के अनुसार मजिस्ट्रेट न होने से यह आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं थे, किंतु यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि अब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 147 के उपबंधों के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही है जो उस धारा के अधीन जांच का निपटारा कर सकता है। अतएव स्वाभाविकता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ही पुरानी संहिता की धारा 147 में उल्लिखित मजिस्ट्रेटों का पद में उत्तरवर्ती माना जाना चाहिए। महंत हरिदास और अन्य बनाम राज्य 1975 BBCJ 364 के मामले में इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने यह अभी निर्धारित किया था कि विधि की कल्पना के द्वारा अब मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए और धारा 204 के अधीन आदेशिकाएं जारी करने की शक्ति का प्रयोग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना चाहिए।
वह विनिश्चय एक भिन्न संदर्भ में था, किंतु प्रस्तुत मामले में उस विनिश्चय के आधार पर सुरक्षा पूर्वक यह कहा जा सकता है कि वे कृत्य जिनका निर्वहन दंड प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 147 में उल्लेखित प्रकार के मजिस्ट्रेटों द्वारा किया जाता था, उन कृत्यों का अब निर्वहन कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा नई संहिता के अधीन किया जाता है। अतएव कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के पद में उत्तरवर्ती मजिस्ट्रेट है, क्योंकि कार्यपालिका में केवल एक प्रकार का ही मजिस्ट्रेट होता है। स्टॉप।